दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी पंजाब ने माझे विच अपनियां धार्मिक सरगर्मियां आरंभ करन तों बाद मालवा विच वी वड्डे पद्धर उत्ते अपनियां धार्मिक सरगर्मियां पूरे जोशो खरोश नाल शुरू कर दित्तियां ने। अज भावें धर्म प्रचार कमेटी पंजाब ने एक दो जिले की गुरमत अकैडमी बारन विखे पंथक दल दियां अते धार्मिक शख्सियतां की विशेष मीटिंग बुलाई सी, पर यह मीटिंग बहुत वड्डे धार्मिक कॉन्फ्रेंस विच बदल गई। इस मौके दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ने धर्म प्रचार कमेटी पंजाब वालों आरंभियां धार्मिक सरगर्मियों उत्ते खुशी और संतुष्टि जाहिर की। उन्हें कहा कि सिख धर्म उत्ते जदों भी खतरा मंडराया उदों ही पंजाब के जुझारू सिख योध्या ने कमान संभाली है। इस मौके उत्ते हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जनरल बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि धर्म प्रचार लिए दिल्ली कमेटी वालों किए जा रहे कार्य श्लाघाजोग ने। जिस तरह की सारे नूं पता है कि 3 अगस्त नूं दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब दे विच धर्म जागरूकता लहर का आरंभता की और श्री हरिमंदर साहब अमृतसर साहब विखे इहदा जमीन हैडक्वाटर बनाया गया और उत्थे अहम जिम्मेवारी सरदार मनजीत सिंह भमौड़ा नूं दित्ती गई ताकि पंजाब दे विच वध रहे जिहड़ा ईसाईकरण हो रहा सिक्खी का धर्म परिवर्तन किया जा रहा और जिहड़ा जबरन किया जा रहा इहदे उत्ते ठल पाउण वास्ते इस दे उत्ते समीक्षा करन वास्ते कि इहदे कारण की ने इहनां दी अहम जिम्मेवारी बनाई सी और अज तकरीबन 20-22 दिनां दे विच जिस तरीके दे नाल इहनां ने वख-वख इलाकियां दे विच मीटिंगां कीतियां अज पटियाले दे जिहड़ा बारन शहर है बारन दे विच बाबा मनमोहन सिंह जी बारन साहब उहनां दी सहयोग दे नाल अज इत्थे इक विशेष इकत्रता होई जिथे पंथ दे विद्वान पंथ दे बुद्धिजीवी ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन दे सारे पुराने वर्कर साहिबान जिन्हां लोगों के पंथ का दर्द है और लोग समझते हैं कि इस लहर नूं अगे वधाना चाहिए ताकि असी अपनी जनरेशन नूं अपनी पनीरी नूं वापस लैके आ सकी है जिहड़े ईसाईकरण हो रहा उन्हूं रोकिया जा सके और जिहड़ा कांड सिक्खी का पिछले समय दे विच होया उहदे उत्ते एक रोक लगाई जा सके। मैं समझदा कि जिहड़ियां जिम्मेवारियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं पंजाब दे विच करनियां चाहीदियां सी अज सारे पंथ दर्दी इस करके इकट्ठे होए क्योंकि उन्होंने देखिया कि जिस तरीके दे नाल उन्हां दे राज पाक दे विच गुरु ग्रंथ साहब महफूज नहीं ने ते जिथे गुरु ग्रंथ महफूज ना होए उत्थे गुरु पंथ कित्थों हो सकदा। सो अज उह सारे इत्थे इकट्ठे होए मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा उन्होंने अपने दिलां दे वलवले भी कढे और सानू अग्गे दा मार्गदर्शन भी दित्ता कि किस तरीके दे नाल असी पिंडा पिंडा दे विच जाके इस प्रचार नूं अगे प्रचंड कर सकी है असी इस प्रचार दे राही लोगों नूं दस सकी है कि साडा वडमुला विरसा की है साडी विरासत की है साडी गुरुआं दी कुर्बानियां की ने साहिबजादियां दी कुर्बानियां की ने। 26 तरीक नूं गुरमत अकैडमी बारन दे विच वड्डी इकत्रता की गई है संत बाबा मनमोहन सिंह जी बारन वालियां वल्लों प्रबंध किया गया जिस विच संत महापुरश प्रचारक पंथक आगू उत्थे आए है दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका उन्होंने नाल मैंबर उन्होंने सरदार विक्रम सिंह रोहनी भुपिंदर सिंह भुल्लर सारी उन्होंने टीम इतने पहुंची है। हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों पहले दिन तो ही इस धर्म जागरूकता लहर के उन्होंने पूरा सहयोग किया जा रहा है तो मैं इस गल की बधाई देना कि जो उन्होंने ड्यूटी लाई है उस ड्यूटी निभा रहे हैं डॉक्टर मनजीत सिंह पिंड पिंड जाके तो सानू बहुत वड्डी आस आ कि असी इस मिशन दे विच सफल होवांगे। धर्म जागरूकता लहर जिवें अजनाला तहसील है उधर ईसाईकरण किया जा रहा है गुमराहकुन प्रचार करके जबरन और नाल जिहड़ा लालच दे दौरान तो इहनू रोकण दे विच ठल पाउण दे विच सुझा जिहड़े आ उह सिख प्रचारकां दे आगूआं दे लए जा रहे आ उस दे नाल ही वर्क जिहड़ा वा अगे चल रहा पिंडां च रागी ढाडी प्रचार कथावाचक भेज के तां कि जिहड़ा हैगा खालसे के बोलबाले कीते जा सकन समूह धर्मां दे लोगां नूं उहनां दे मुड़ धर्म वापसी ते खास करके जिहड़े सिखां नूं जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा उहनां नूं सिख धर्म विच मुड़ वापसी जिहड़ी उह कीती जा सके।